गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग मैम. यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द कमर्शियल एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. कैन यू एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमर्शियल फार्मिंग? यस बेटा, What do you understand by commercial farming? बताइए, कल बताए. Yes, speak up. Commercial farm. Chapter. Agriculture chapter. मैम आपने chapter नहीं कराया शुरू से. कराया मैंने शुरू से. Recording है मेरी. टाइप्स ऑफ फार्मिंग नहीं कराया मैंने, कल ही कराया है. नो मैम. यस मैम, आपने कल ही कराया. कल कराया है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग और मेजर क्रॉप्स पढ़ा रही थी मैं कल. मैम कल तो आपने क्लास नहीं भेजी मैम. कल लिया था ना मैंने, कल लिया मैंने क्लास. आप नहीं आओगे तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना क्लास नहीं होगी. मेजर क्रॉप्स पढ़ा. अरे तो ये स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया ना स्टूडेंट्स आपने. यस मैम, मैंने भी किया था कल. हाँ तो बस ये आपके मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक थोड़ी ना. कमर्शियल का मतलब है, एक तो ध्यान से पढ़ा करिए, मतलब कोई मतलब ही नहीं अगर आप जवाब नहीं देते तो. कमर्शियल का मतलब है सरप्लस प्रोड्यूस क्रॉप, जिससे कि मार्केट में सेल कर सके, है ना. बहुत एनिमल्स हैं, सरप्लस क्रॉप्स हैं, वो कमर्शियल पर्पस से ग्रो की जाती है. जिस सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पस से. कमर्शियल पर्पस का मतलब है कि इतनी ज़्यादा होती है, एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, एक हाईली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसमें सीड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स, और उसमें प्रोड्यूस होता है ज़्यादा, और वो जब सरप्लस होता है तो उसको कहाँ मार्केट में सेल करते हैं. ठीक है, तो वो होता है कमर्शियल. हम मेजर क्रॉप्स पढ़ रहे थे, मतलब बता रही थी मैं मेजर क्रॉप्स के बारे में. राइस पढ़ा था, राइस सबसे. हाँ, राइस वीट भी पढ़ा था. हाँ, अब है मिलेट. मिलेट क्या होता है? ये कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है ना. मिलेट को कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है. और इस ये जो मिलेट है लेस फर्टाइल सॉइल में ग्रो कर सकता है, मतलब ज़्यादा फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं है, लेस फर्टाइल में भी ये ग्रो कर जाता है. ठीक है. एंड सैंडी सॉइल. बेसिकली मिलेट्स जो क्रॉप है वो कहाँ पे ग्रो हो सकती है? इसको कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है. और ये लेस फर्टाइल, मतलब ज़्यादा फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं है, जैसे सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो इसकी ज़रूरत नहीं है. सैंडी सॉइल्स में ये ग्रो की जाती है. इट इज़ ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल. ये ऐसी हार्डी क्रॉप होती है जिसमें ज़्यादा लो रेनफॉल से भी काम चल जाता है, ज़्यादा बारिश ना हो तो भी काम चल जाएगा, या फिर हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर पे ये होता है, हाई से लेके मॉडरेट टेम्परेचर तो हो सकता है, एंड एडिक्वेट रेनफॉल. ये ज्वार का आ रहा है, मिलेट का कहाँ गया? ठीक है, ज्वार का है, मिलेट का देखती हूँ एक मिनट. हाँ, मिलेट है. मिलेट के बारे में बताया, लो रेनफॉल में होती है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल की कई कई बार ज़रूरत पड़ती है. जो ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये बेसिकली राजस्थान में होते हैं. सैंडी सॉइल है ना राजस्थान में, इसलिए इंडिया में होते हैं. और जो अदर कंट्रीज़ है वो है नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, यहाँ पर ये कल्टिवेशन होता है. नेक्स्ट है मेज़. मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर. जो मेज़ है इसको बेसिकली मॉडरेट टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा
ठंडी, तो मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है, रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, इसकी इसके लिए ज़रूरत पड़ती है जो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स है उसकी, जो ड्रेन्स ड्रेन आउट हो चुकी है फर्टाइल सॉइल उसकी। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, मेज़ बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा और इंडिया एंड मैक्सिको में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन, कॉटन को ज़रूरत पड़ती है कॉटन ग्रो करने के लिए, कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लाइट रेनफॉल, हल्की सी रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज जिसमें फ्रॉस्ट ना हो, ऐसे डेज की ज़रूरत पड़ती है, ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है इसकी ग्रोथ के लिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अल्यूवियल सॉइल, जो कॉटन है ना ग्रो करती है, जैसे ये अंडरलाइन कर लीजिए कि कॉटन किस टाइप की सॉइल में ग्रो करती है। मैम फ्रॉस्ट फ्री जो होता है, फ्रॉस्ट होता है ना, जैसे डीप फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट बर्फ बर्फ नहीं हो, ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, वो होता है फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये कॉटन जो कहाँ ग्रो करती है सबसे ज़्यादा, ब्लैक एंड अल्यूवियल सॉइल में, ये आपको थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा। हाँ, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के, सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन न्यू रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ काम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, उसी कॉटन से तैयार होता है, रॉ कॉटन से ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उसमें काम आता है। ये जो कपड़े वपड़े आप जो भी पहनते हो ना, कॉटन से पहले थ्रेड तैयार होता है, थ्रेड मतलब रॉ मटेरियल कुल मिला के इंडस्ट्रीज में जाता है, फिर वो प्रोसेसिंग होके जो फाइन कपड़ा, क्लोथिंग मटेरियल, ड्रेसिंग मटीरियल, ड्रेस मटीरियल हो गया या ड्रेस हो गया, वो सब तैयार होता है। जूट, जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर, जूट देखा है ना आपने कैसे जो बोरे होते हैं, हाँ गोल्डन, हाँ गोल्डन फाइबर क्यों बोला जाता है उसको, गोल्डन कलर, हाँ जूट को देखो ये इंपॉर्टेंट है, जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, क्वेश्चन आ सकता है कि किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ये अलुवियल सॉइल और की ज़रूरत पड़ती है इसको, और हाई टेम्परेचर, ठीक है, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड का मतलब है हमेशा मतलब ह्यूमिड एयर में जो वाटर वेपर्स रहती ना, अभी जैसे मॉनसून सीजन चल रहा है, अभी जो थोड़ा सा अपना मौसम है राजस्थान का वैसे ड्राई है, अभी ह्यूमिड चिप 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 चिपा सा हो रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिड, ठीक है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज, बेसिकली वेस्ट बंगाल वगैरह ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे ये ग्रो होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर जो है जूट के वो है बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है। जूट क्लियर हो गया, इसको गोल्डन गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोबी सॉइल, कॉफ़ी को जो ज़रूरत पड़ती है वार्म एंड वेट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ही ग्रो होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, जो हिल स्लोप्स हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जिनमें स्लोप्स बने हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉफ़ी के लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, फिर कोलंबिया में, फिर इंडिया में होता है। टी, टू बेवरेजेस मैंने बताए थे कल, जस्ट टेल मी टू बेवरेजेस, बताए थे कल मैंने बेवरेजेस, यस मैम, यस मैम, हाँ तो क्या थे टू बेवरेजेस मैम, कूल क्लाइमेट बेवरेज, टी एंड कॉफी, यस मैम, ध्यान से पढ़ा करिए, है ना। टी इज ए बेवरेज क्रॉप, लिखा है
हाँ में लिखा है टी इज अ हाँ बेवरेज ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मेंशन टू बेवरेजेस बेवरेजेस, तो यू हैव टू मेंशन टी एंड कॉफ़ी, ठीक है? तो टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप, ऑन प्लांटेशंस में ये ग्रो करते हैं, दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट, टी के लिए कूल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसकी जो टेंडर लीव्स है इसमें थ्रू आउट क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेनफॉल की, थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग ग्रोथ के लिए, इसकी जो टेंडर लीव्स हैं इस उनकी वजह से। अब ये इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल, टी भी जो है टी जो लीव्स हैं उनके लिए भी लोमी सॉइल्स जेंटल स्लोप्स की ज़रूरत पड़ती है। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, लीव्स क्योंकि बहुत टेंडर होती हैं, बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं, तो इसमें लेबर भी ज़्यादा लगती है, लेबर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। केन्या हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूस होती है वो केन्या में, इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका में होती है। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, मैं अभी समझाने जा रही हूँ कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेवलपमेंट की, है ना? ऐसा एफर्ट्स जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, अपनी क्या हो रही है पॉपुलेशन, जैसे जैसे ग्रोथ पॉपुलेशन की मतलब इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रही है डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब बना है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरियाज, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। अब इसको, इस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना? इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरियाज की, जो क्रॉप्ड एरियाज हैं जहाँ पे क्रॉप ग्रोन की जाती है, ग्रो की जाती है, तो पहले तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता क्या है, इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उनकी डिमांड, जो डिमांड ग्रो हो रही है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का यूज़ किया जाता है। इसको अचीव करने के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बहुत तरीके हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरियाज, जो क्रॉप्ड एरियाज हैं उनको इंक्रीज करना। दूसरा द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, कि भाई जब डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी। तीसरा, अब तीसरा क्या है, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरीगेशन फैसिलिटीज़ को भी एनहेंस करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना, इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। अब कई बार फसलें ऐसी होती हैं कि जैसे बिना फर्टिलाइजर्स के हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स के ग्रो नहीं करती, तो इसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मतलब जो क्वालिटी वाले सीड्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए दूसरी चीज़ है जो मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल का। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, बेसिक वॉट इज़ द एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है वो क्यों कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो ग्रो कर रही है रैपिडली, उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, उनके फूड्स सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको एनहेंस किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। अब ये बीच का सारा याद रखना कि इसको, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वॉट आर द रिक्वायर्ड,
है ना, ये याद रखना। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर डेवलप हो रही है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने बताया था क्या होता है, जल्दी से बताइए जिसको भी पता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग? हाँ, सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि भाई इतना छोटा सा प्लॉट है या छोटी सी लैंड है, उसमें क्रॉप्स ग्रो करें और उसमें क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं उसमें आप सेल्फ कंजप्शन में काम लेते हैं, उसको मार्केट में सरप्लस नहीं होती कि मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ विथ लार्ज पॉपुलेशन, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे यूजुअली जो प्रैक्टिस होती है वो होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर ऑन स्मॉल होल्डिंग। इंटेंसिव में होता है कि स्मॉल जो प्लॉट्स हैं, स्मॉल जो लैंड है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस में भी वही है कि छोटे से जगह में आप क्रॉप्स ग्रो करो और उसमें सेल्फ कंज्यूम कर लो, बस इतना ही है, है ना। तो वो सेल्फ कंजप्शन से पेट तो नहीं भरेगा, बाकी जो डिमांड है जिनके छोटे एरिया भी नहीं है उनकी उनकी जो डिमांड है उनको कहाँ से फुलफ़िल करना है, उसके लिए आपको कमर्शियल फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। जो लार्जर होल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, वो ज़्यादा सूटेबल है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, है ना। कमर्शियल एग्रीकल्चर से हम जो जितनी भी जो डिमांड्स हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन की वो फुलफ़िल कर सकते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एज इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है, वहाँ पे ज़्यादातर कमर्शियल एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। With the help of two case studies of farm, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. अब two case studies हम लेते हैं farms की, एक India की दूसरी USA की। ये case studies से हमें पता लगेगा कि जो agriculture है developing और developed country में कितना difference है उनमें। एक तो developing countries में agriculture है, एक developed countries में, तो इनमें क्या difference है, ये अब case study अब लिए। सबसे पहले a farm in India, there is a small village Adilabad in Ghazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectare. एक छोटा सा village है आदिलाबाद, है ना, ये गाजीपुर district में है उत्तर प्रदेश के। जो Munna Lal है वो एक छोटा सा farmer है अपने village का, जो farmland उसकी जो ज़मीन है वो about 1.5 hectares है। His house is in द मेन विलेज, उसका जो घर है किसका, Munna Lal का, कहाँ पे है, मेन विलेज में। हाँ बोलिए, हाँ ही परचेजेस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स। वो क्या करता है Munna Lal, हाई यील्डिंग जो गुड क्वालिटी सीड्स है, हाई यील्डिंग सीड्स है, वो परचेज करता है एवरी ऑल्टरनेट ईयर, एक साल छोड़ के एक साल बाद। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट टू क्रॉप्स। लैंड बहुत फर्टाइल है, अगर वो चाहे तो एटलीस्ट टू क्रॉप्स एक साल में वो ग्रो कर सकता है, विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस, जिसमें वीट भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, पल्सेस भी हो सकता है। Munna Lal क्या कर रहा है, 1.5 हेक्टेयर उसकी ज़मीन है, उसका खुद का घर है, वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ स्वीट गुड क्वालिटी सीड्स भी परचेज करता है, लेकिन कब करता है, एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स में, एक साल छोड़ के एक साल, जबकि ज़मीन उसकी क्या है, फर्टाइल है। वो एटलीस्ट टू क्रॉप्स इन अ ईयर ही, मतलब क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, हो सकती हैं क्रॉप्स उगा सकते हैं, नॉर्मली वीट ले लो, राइस ले लो या पल्सेज ले लो। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस।
जो फार्मर क्या करता है, अपने दोस्तों से एडवाइस लेता है, अपने एल्डर्स से एडवाइस लेता है जो भी घर के बड़े हैं, वैसे ही गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस से रिगार्डिंग वो एडवाइस लेता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट, वो क्या करता है ट्रैक्टर रेंट पे लेता है प्लोइंग के लिए, अपने फील्ड को प्लो करने के लिए। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मैथड, जबकि उसके कुछ फ्रेंड्स ट्रेडिशनल मैथड यूज़ करते हैं ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लोइंग। बुलक्स जैसे आप देख रहे हैं ना, प्लो हो रहा है, ये कुछ ऐसे होता है सीड्स के लिए कुछ खोदना। हाँ 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 वही। तो वो उसने क्या लिया है, ट्रैक्टर ले लिया, और जो उसके तो पुराने फ्रेंड्स हैं वो किसको काम में लेते हैं, बुलक्स को, ये बैल। हाँ है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड है। देयर इज ए ट्यूब वेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। उसके खेत के पास ही क्या है, ट्यूब वेल है, नियर बाय में फील्ड है जो उसमें ट्यूब वेल है, वहाँ से वो क्या करता है इरीगेशन, जो अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए वहाँ उसका भी रेंट देता है, पानी लेता है वहाँ से। मुन्ना लाल ऑल्सो टू बफेलोज, मुन्ना लाल जो है उसके पास खुद के पास टू बफेलोज हैं, कुछ हैंज हैं, है ना, मुर्गियाँ। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव सेक्टर स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। वो जो उसके पास बफेलोज हैं उनका मिल्क वो कोऑपरेटिव स्टोर जो कि उसके घर के टाउन के पास ही लोकेटेड है वहाँ पे सेल करता है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है। विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर ऑफ फॉर हिज एनिमल, जो कि उसको एडवाइज करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ फॉडर है उसके एनिमल्स के लिए, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो भाई वो जो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनको वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर उसको एडवाइस करते हैं कि जो टाइप ऑफ फॉडर है एनिमल्स के लिए, फॉडर समझते हो चारा, चारा कहते हैं हाँ, सेफ्टी मेजर से उनको उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के, लाइफ स्टॉक होता है एनिमल्स के लिए, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सारे फैमिली मेंबर्स उसको हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, कई बार उसको एक लोन लेना पड़ता है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक से टू बाय HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, मतलब गुड क्वालिटी सीड्स के लिए उसको कई बार लोन लेना पड़ता है। और ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी, वो अपने प्रोड्यूस ज़्यादा उगाता है, जब मतलब एक साल में उसके दो उग सकती हैं तो वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस प्रोड्यूस है उसको मंडी में जो कि उसके टाउन में ही लोकेटेड है वहाँ पर सेल करता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन वेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू दैम। कुछ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स हैं जिनके पास मतलब स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ मतलब क्या होता है, क्रॉप्स को स्टोर करके रख लेना है ना, स्टोरेज फॉसिल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती मतलब फोर्सफुली उन्हें अपनी जो प्रोड्यूस है उसको सेल करना पड़ता है मार्केट में, जबकि जो कंडीशंस है फेवरेबल नहीं होती है, मतलब सस्ते दामों में फेवरेबल कंडीशंस नहीं होगी तो क्या होगा, अपना प्रोड्यूस जहाँ आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको फोर्सफुली उसको प्रोड्यूस को सेल करना होगा है ना। इन रीसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़, अभी रीसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, कुछ मेजर्स लिए हैं जिसमें कि वो इन प्रोड्यूस को, इन जो ऐसे फार्मर्स हैं इनके प्रोड्यूस को स्टोर कर सके स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ज़रिए। अब USA के फार्म विल कंटिन्यू टमोरो है ना, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, मतलब मैं इसको चैप्टर को कल कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। मैं पर यूएसए वाला या फिर